हेलो फ्रेंड्स, कुंदन ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, मैं दूसरे मेला घूमने जा रहा हूँ। तो देखिए, फाइनली मैं एंट्री गेट से अंदर जा रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कितना सारा, देखिए यहाँ पर भीड़ लग चुका है। और बहुत लोगों ने मतलब मेला में जा रहे थे, इतना भीड़ लगा हुआ था कि चलने में भी बहुत दिक्कत होता था, वीडियो बनाने में सब लोग देख रहे थे, सब लोग इधर से उधर। तो देखिए, हम लोग फाइनली मंदिर के प्रवेश द्वार के पास आ चुके हैं। बस अब मंदिर में हम एंट्री कर रहे हैं और हम लोग एंट्री कर चुके हैं। अब देखिए, माता रानी के चरणों में, माता रानी के पास जा रहे हैं हम लोग, और वहां पर हम लोग पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए कितना सुंदर आकर्षक रूप दिखाया गया है। पिछले वीडियो में भी दिखाया था, लेकिन वो क्लिप था थोड़ा सा, और इसमें पूरा वीडियो दिखाया हूँ आपको। तो देखिए, यहाँ पर शंकर भगवान, माता पार्वती और कार्तिक भगवान के भाई श्री गणेश, और बैल भी थे, नंदी भी थे। ये देखिए कितना सुंदर यहाँ पर सजावट भी किया गया है, और देखने में भी बहुत आकर्षक लग रहा था मुझे। और आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पर पंडित जी भी बैठे हुए थे, अपना काम कर रहे थे, हम लोग अपना अपना काम कर रहे थे, पूजा कर रहे थे और वीडियो बना रहे थे। तो देखिए कितना सुंदर आकर्षक रूप दिया गया है। और देखिए, फाइनली यहाँ पर पूजा हो रहा है, बहुत लोगों ने अपना अपना पूजा अर्चना, माता रानी से जो मांगना है वो ज़रूर मांग रहे थे लोग। तो हम लोग भी खड़े होकर मतलब माता रानी से आशीर्वाद ज़रूर मांगे लोग। और दीदी मेरी पूजा कर रही हैं। तो देखिए, ये कितना सुंदर जय भी, यहाँ पर जो जौ होता है उसको भी रुपाई हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है, छोटा छोटा है, मगर बहुत सुंदर लग रहा था। और देखिए, मैं फ़ोटो का क्लिप दिखा रहा हूँ, ये छोटी वाली बब्बी है और मैं हूँ। तो देखिए कितना सुंदर, बब्बी भी बहुत सुंदर से देख रही थी, फ़ोटो खिंचवा रही थी। तो देखिए, शंकर भगवान का आकर्षक रूप फ़ोटो का क्लिप है, और ये छोटा वाला भाई है, वो बड़ा वाला है, हमसे छोटा है, वो बब्बी है। और दीदी पूजा करने के लिए रेडी हो गई है, तो मैं मंदिर के गेट से अंदर जा रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए, मैं जा रहा हूँ अंदर, मेरा छोटा भाई वीडियो बना रहा है। ये देखिए, माँ लक्ष्मी है, उसमें अंदर माँ दुर्गा है, तो उनका पूजा करने के लिए सब लोग अपना अपना पूजा कर रहे हैं। ये गणेश भगवान है, और आगे देखिए कितना सुंदर सजावट होता है। ये मेरे गांव का ही मंदिर था, मेरे गांव के जस्ट मतलब गांव में ही मंदिर था, तो वहां गए थे लो, पूजा कर रहे थे लो। तो सोचे लो कि एक वीडियो बना ले, एकदम जस्ट घर से 100 मीटर भी दूरी नहीं होगा, 50 मीटर होगा। तो हम लोग वहाँ पूजा करने के लिए गए थे, एकदम गांव में ही है, हमारे गांव में ही है। तो बहुत अच्छा मतलब रुक दिया गया था माता रानी का, और लाइट से डेकोरेटिंग भी बहुत अच्छा किया गया था। देख सकते हैं यहाँ पर कितना मज़ा से मतलब डेकोरेटिंग किया गया था। देखिए, फ़ोटो का क्लिप भी लिया हूँ, और देखिए ये कितने मस्त गणपति बब्बा खड़े हैं, और उनके भाई कार्तिक जी खड़े हैं, और देखिए उसके बाद ये माता लक्ष्मी जी हैं। और देखिए, हम लोग जो जय होता है दशमी के दिन, हम लोग जय लेकर आए थे, तो हम लोग नहाने के लिए गंगा नदी में आ चुके थे। तो देखिए नदी कितना मतलब एकदम, नदी बहुत बड़ी नदी है, तो हम लोग नहा रहे थे अंदर में जाकर, सब लोग नहा रहे थे। और ये छोटा वाला भाई है, वीडियो भी बन रहा था, मैं भी खड़ा हूँ। और ये देखिए छपरा का पंडाल का ये आकर्षक रूप है, छपरा में यहाँ का देखिए कितना सुंदर लुक दिया गया है। यहाँ पर भी, यहाँ पर वीडियो क्लिक नहीं कर पाया, फ़ोटो ही क्लिक किया हूँ देखिए। और ये देखिए रथ वाली दुर्गा जी है, बहुत आकर्षक रूप दिया गया था, रथ से दुर्गा माता है, राक्षस अपने रथ से हैं, दुर्गा माता अपने रथ से हैं, काली माता है, बहुत अच्छा लुक दिया गया था, देख सकते हैं मज़ा आ गया था। ये दूसरे दुर्गा माता है, इनका भी लुक बहुत सुंदर दिया गया था, ये भी अपने राक्षस अपने दल में आए थे और दुर्गा माता अपने दल में आई थी, ये बजरंगबली है। देखिए कितना सुंदर इनका भी आकर्षक रूप दिया गया है, ये देखिए दुर्गा माता का ये भी लुक बहुत सुंदर था। और ये देखिए, ये जय श्री राम हनुमान जी हैं, तो उनका भी लुक बहुत सुंदर दिया गया था। और इधर ही मार हो गया था हिंदू मुस्लिम में,
यही माता रानी के पास, ये बजरंग बली के पास। और देखिए कितना सुंदर सुंदर नज़ारा ये है, बाग भी बहुत सुंदर बनाया गया था। ये देखिए हमारे ही छपरा में, ये देखिए फन एक पार्क बनाया गया था जो दशहरा मेला के उपलक्ष्य में बनाया गया था। ये बहुत आकर्षक रूप था इसमें बहुत। ये देखिए कितना सुंदर चिंपेंजी को बनाया गया था, बहुत बड़ा था, इतना बड़ा था बहुत। ये देखिए चंद्रयान 3 का लुक भी बनाया गया था, और वो भी कितना सुंदर चंद्रयान 3 भी लग चुक रहा था। और देखिए मंदिर का भी दिखा रहा हूँ नज़ारा, देखिए कितना मस्त मंदिर यहाँ पे दिख रहा है दुर्गा माता का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो चंद्रयान 3 गया था उसी का यहाँ पर लुक बनाया गया है, कितना सुंदर देखिए लग रहा है चंद्रयान जो 3 था। और देखिए मंदिर में अंदर जा रहा हूँ, कितना सुंदर नज़ारा बनाया गया है यहाँ पे मंदिर में। और देखिए ये दुर्गा माता का पंडाल कितना आकर्षक सजाया गया है। तो वीडियो डालने में मुझे थोड़ा लेट हो गया, नेट बंद हो गया था। तो देखिए कितना सुंदर पंडाल को सजाया गया है यहाँ पे, और कितना आकर्षक रूप पंडाल का दिया गया है। और देखिए हम धीरे धीरे अंदर की तरफ मतलब बढ़ रहे हैं, और देखिए अभी माता रानी का रूप हम दिखा रहे हैं आपको। और देखिए फाइनली मैं आगे की तरफ अब जूम कर रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ। देखिए कितना सुंदर माता रानी का लुक दिया गया है, बहुत अच्छा सजावट हुआ था, बहुत सुंदर देखने में, बहुत मज़ा आया मुझे। और देखिए यहाँ पर सब लोग अपना अपना ये पंडाल का मतलब, इसमें बहुत भीड़ लगा हुआ था, बहुत भीड़, तो जाने में भी बहुत ही मुश्किल हो रहा था। आगे की तरफ देख सकते हैं आप, यहाँ पर हम दूसरे कैमरा से यहाँ पर शूटिंग किए हैं। तो देखिए कितना सुंदर आकर्षक रूप आगे की तरफ दिया गया है, बहुत भीड़ था, बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो देखिए क्या चीज़ से किया गया कैमरा, आप बता सकते हैं तो बताइएगा ज़रूर। ये देखिए ये डिज्नीलैंड मेला है हमारे यहाँ का, इसका भी रूप डिज्नीलैंड मेला होता है। ये बहुत अच्छा ये मतलब लुक दिया गया था मेला का भी, इसका नाम है डिज्नीलैंड मेला छपरा का। तो इसमें भी गए थे लोग, अंदर तो उतना नहीं गए लोग मगर बाहर से ही फ़ोटो लिए थे लोग, बहुत शाम हो गया था तो अंदर नहीं जा पाए लोग। तो देखिए कितना सुंदर रूप दिया गया है, और ये देखिए डिज्नीलैंड मेला का ही लुक है। तो अंदर अब जा आ चुके हैं लोग, और देखिए कितना सुंदर सजावट हुआ है डिज्नीलैंड मेला का। और ये देखिए माता रानी का मंदिर कितना सुंदर है। थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।